मार्च के माह में अब 10 दिन का समय बीत चुका है। सीजीएसटी विभाग को अपना टारगेट भी पूरा करना है। विभाग के आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि उनका विभाग लक्ष्य के नजदीक है। सरकार द्वारा मिला टारगेट 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। भारत सरकार अपने रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले विभागों को हर साल नया टारगेट देती है। सीजीएसटी विभाग को 2022-23 का टारगेट 1550 करोड़ रुपए का मिला था। विभाग के आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि विभाग ने अब तक 1450 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अभी तक पिछले महीने के अंत तक हम ऑलरेडी 1450 करोड़ हमारा पूरा हो गया है, और जहाँ तक रेवेन्यू का प्रश्न है, हर महीने 140 से 150 करोड़ रेवेन्यू आता है। अगर हम 100 करोड़ भी लेंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। कमिश्नर का कहना है कि पिछले महीने 140 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा किया गया था। हर माह लगभग 140 करोड़ रुपए टैक्स जमा हो रहा है, क्योंकि अंतिम महीने में रिकवरी टैक्स डिपॉजिट ज्यादा होता है। 140 करोड़, 150 करोड़ है तो हमें लगता है कि 200 करोड़ जरूर होगा मार्च के महीने में। अगर 200 करोड़ लेते हैं तो हम 1250 पर हैं। पिछले वर्ष सीजीएसटी का टारगेट 1272 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार विभाग को 1550 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है। 2022-23 का टारगेट बढ़ा दिया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार के टारगेट में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। तेज तर्रार आयुक्त शरद चंद्र श्रीवास्तव और उनके विभाग को उम्मीद है कि सरकार द्वारा मिले लक्ष्य से ज्यादा पूरा होगा। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।